तो स्टार्ट करते हैं हम मैट्रिक्स से क्वेश्चन जो निम्सेट में डिफरेंट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और मैट्रिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर निम्सेट। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं निम्सेट में। फर्स्ट क्वेश्चन ये 2009 में पूछा गया है, ध्यान से देखो। एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, 1 2 3 4, और ये एक तरह की इन्फाइनाइट जीपी है। तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्फाइनाइट जीपी का सम यहाँ कैसे निकालेंगे। तो जैसे इन्फाइनाइट जीपी का सम नंबर्स में निकालते हो, वैसे ही तुम्हें मैट्रिक्स में भी निकालना है। फर्स्ट नंबर को हम 1 नहीं लिख सकते क्योंकि मैट्रिक्स में डायरेक्टली नंबर नहीं ऐड करा जा सकता, इस वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करते हैं। तो दैट इज, इसको चाहो तो तुम ये लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म आई अपॉन 1 की जगह फिर आई माइनस कॉमन रेशियो ए का है। कॉमन रेशियो किसका दिख रहा है तुम्हें, ए का। तो दिस इज आई टाइम्स, इसको ऊपर ले जाओ, आई माइनस ए का इनवर्स। और किसी भी मैट्रिक्स को, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को, अगर हम उसके सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो वो मैट्रिक्स वही आएगी, आई माइनस ए का इनवर्स, ठीक है। तो आई मैट्रिक्स, चूंकि यहां 2x2 की बात हो रही है, तो आई हो जाएगा 1, 0, 0, 1, फिर ए हो जाएगा, ए गिवन है तुम्हें, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, देन आई माइनस ए 1, -1, 0, 0, -2, -2, 0, -3, -3, 1, -4, -3, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा आई माइनस ए। अब देखो इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो 2x2 का इनवर्स निकालना बड़ा आसान होता है, 3x3 में प्रॉब्लम आती है। अगर 2x2 का इनवर्स निकालना है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, लेट से वो है ए बी सी डी, अगर इसका इनवर्स निकालना है तो पहली चीज, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस ए डी माइनस बी सी, ये 0 नहीं होना चाहिए। और इनवर्स आता कैसे है, ए इनवर्स आता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं 2x2 इस मैट्रिक्स का, अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो देखो, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं, डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, और ऑफ डायगोनल का साइन चेंज कर देते हैं, माइनस बी माइनस सी। तो सिंपली ए इनवर्स आ जाएगा हमारा, यहां से देख लो ये क्या आ रहा है, डी ए माइनस बी माइनस सी अपॉन मॉड ए, मॉड ए मतलब ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। दिस इज ए इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। नाउ अब यही प्रोसेस हम यहां पे लगा देते हैं इस मैट्रिक्स का। पहले तुम एडजॉइंट निकालो, इसको मान लेते हैं कोई बी मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स हमें निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, लीडिंग डायगोनल जो है उसके एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दो, माइनस थ्री और इधर 0 आ गया, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कर दो 2 और 3, ठीक है। अच्छा मॉड बी हम यहां से निकाल लेते हैं, मॉड बी क्या आएगा, मॉड बी आएगा 0 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और लिखते क्या है, 0 - 6 दैट इज -6। तो बी इनवर्स आएगा मॉड बी, मॉड बी क्या है 1 upon -6, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है -3, 2, 3, 0, और इसको डिवाइड कर दो तुम -6 से, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -1/3, एंड दिस इज 0।
तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये 2009 निमसेट का, क्लियर है बात? तो आई थिंक आइडिया समझ में आ गया होगा। दिस इज द आंसर, फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? मॉड ए। मॉड ए चूंकि डिटर्मिनेंट है तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, एक्चुअल मॉड नहीं है ये। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आता है मॉड ए की पावर एन माइनस वन। इसको ये प्रूव भी करा है हमने थ्योरी में, तो ये एज अ स्टैंडर्ड याद होना चाहिए। तो अगर थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा मॉड ए डिटर्मिनेंट की पावर थ्री माइनस वन मतलब स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थ्री दे रखी है, उसका स्क्वायर करोगे नाइन आ जाएगा। तो बी इज द आंसर, इट्स आंसर इज बी, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बेसिकली डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। और ये एज अ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट भी हमने याद कराया था, इसकी वैल्यू टू आती है, याद होनी चाहिए। कई सारे स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, इट्स वैल्यू इज टू। लेकिन फिर भी एक बार प्रूफ करते हैं हम इसको। ए पी के बराबर नहीं है, बी क्यू के बराबर नहीं है, सी आर के बराबर नहीं है। डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है P, B, C, और डिटर्मिनेंट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, तो कोशिश यही करनी है कि जितने स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है उनकी वैल्यू हमें याद हो। ये जीरो दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। R3 थ्री चेंज टू, चूंकि हमें P माइनस ए, पी क्यू माइनस बी, आर माइनस सी अपेयर कराना है, तो R3 थ्री चेंज टू R3 थ्री माइनस आर टू कर लेते हैं, एंड R2 टू चेंज टू R2 टू माइनस आर वन कर देते हैं। तो देखो जरा यहां से क्या मिलेगा, R1 हमारा वही है, R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे। R3 में पहले चेंज करो, R3 को तुम R2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यह आ जाएगा जीरो, यह आ जाएगा B माइनस क्यू, यह आ जाएगा R माइनस सी, और R2 से R1 सब्ट्रैक्ट कर दो, R2 से R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A माइनस बी क्यू माइनस बी सी माइनस सी जीरो, क्लियर है आपका? अब इसके बाद हम ये करेंगे, इस पूरे C1 से तुम कॉमन ले लो P माइनस ए, क्योंकि यहां पे P माइनस ए अपेयर कराना है। इससे कॉमन ले लो, क्या अपेयर कराना है? C2 से, C2 से कॉमन ले लो Q माइनस बी, Q माइनस बी अपेयर कराना है, और C3 से कॉमन ले लो R माइनस सी, ठीक है। तो पूरा हम कॉमन ले लेते हैं, P माइनस ए Q माइनस बी R माइनस सी, डिटर्मिनेंट यहां पे आ जाएगा P अपॉन P माइनस ए, यहां आ जाएगा B अपॉन Q माइनस बी, यहां आ जाएगा C अपॉन R माइनस सी। ये हो जाएगा माइनस वन, Q माइनस बी कॉमन लिया ही है, ये जीरो ही था, यहां पे आ रहा है b माइनस क्यू और हमने कॉमन लिया है q माइनस बी, तो ये माइनस वन, ये जीरो था, ये हो जाएगा वन। अब हम करेंगे ये, हमें चूंकि ये लाना है तो देखो ये कैसे आएगा। अगर हम c1 चेंज टू c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दें तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत अपेयर होना चालू हो जाएगा। तो c1 चेंज टू और ये पूरी चीज जीरो है, P अपॉन P माइनस ए,
प्लस बी अपॉन क्यू माइनस बी प्लस सी अपॉन आर माइनस सी, और इसको भी ऐड कर दो, ये जीरो आ जाएगा, ये तो जीरो है ही, ठीक है। ये तुम्हारा आ रहा है बी अपॉन क्यू माइनस बी, ठीक है, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा वन, और ये क्या है, दिस इज माइनस वन, ये है सी अपॉन आर माइनस सी, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहां पे आ रहा है तुम्हारा जीरो और ये आ रहा है वन। अब तुम इसको आर वन के अलोंग एक्सपैंड कर लो इज इक्वल टू जीरो, तो देखो क्या आ रहा है, पी माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, आर वन के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो पी अपॉन पी माइनस ए प्लस बी अपॉन, ये बी है, दिस इज बी, बी अपॉन क्यू माइनस बी प्लस सी अपॉन आर माइनस सी। पहला एलिमेंट ले लिया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वन और ये जीरो हो जाएगा तो ये वन हो गया, ठीक है। फिर माइनस, जब तुम ये एलिमेंट लोगे तो देखो ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, जीरो से वन मल्टीप्लाई होगा और जीरो से जीरो मल्टीप्लाई होगा, जीरो आ जाएगा। जब तुम ये एलिमेंट लोगे तो इसको हाइट करोगे, इसको हाइट करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो कुछ आएगा नहीं, तो दिस इज फाइनली इक्वल टू जीरो, ये यहां तक क्या आ जाएगा, जीरो। और इनमें से ये चीज कोई भी जीरो नहीं होगी क्योंकि गिवन डेटा में दे रखा है कि पी ए के बराबर नहीं है, क्यू बी के बराबर नहीं है, आर सी के बराबर नहीं है, तो इट मींस जीरो जो आएगा वो आएगा पी अपॉन पी माइनस ए प्लस बी अपॉन क्यू माइनस बी प्लस सी अपॉन आर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, हमें जो प्रूफ करना है, जरा देखो क्या प्रूफ करना है, ऊपर Q और R है, ऊपर यहाँ पे Q है और R है, हमारे में सेकेंड थर्ड टर्म में B और C आ रहा है, तो ठीक है, इसका तरीका ये हो सकता है कि P अपॉन P माइनस ए प्लस इसमें तुम वन ऐड कर दो, इसमें भी तुम वन ऐड कर दो, और वन वन इधर ऐड कराए तो टू इधर आ जाएगा, सो नाउ पी अपॉन पी माइनस ए प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी, ऐड करने पे वन यही आएगा, प्लस आर अपॉन आर माइनस सी इज इक्वल टू टू। तो इस तरह के जितने स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट हैं NIMCET एग्जाम के लिए वो याद होने चाहिए हमें, क्लियर है बात। तो ये वैसे तो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट ही याद होना चाहिए, अदरवाइज ध्यान रखना डिटर्मिनेंट में तुम्हें टाइम लग जाएगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब आगे से आई थिंक ये क्वेश्चन याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, बी दे रखा है माइनस ए इनवर्स बी ए, इसको जैसे ही देखा हमने हमें याद आया ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, या ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है, तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स, और तुम्हें पता है ये ब्रैकेट शिफ्ट कराया जा सकता है, इस पे अलग ब्रैकेट ले लिया, इस पे अलग ब्रैकेट ले लिया, एंड दिस बिकम आई, और आई सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बी ए आ जाएगा। सो नाउ इन केस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आई थिंक याद होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए आता है, बी ए, ठीक है, ए बी और बी ए हमेशा बराबर नहीं होते हैं, मैट्रिक्स अगर पढ़ी होगी देखा होगा, तो ए बी की जगह अगर हम माइनस बी ए रख दें तो दिस विल बी फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी इज द आंसर,
सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टू द पावर एन निकालना है, तो ये क्वेश्चन करे होंगे अगर एक्सरसाइज करी होगी लिमिट की, तो ये जनरलाइज करना होता है इसमें। पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए क्यूब निकालते हैं, उतने से ही ये जनरलाइज हो जाता है, 1 1 0 1 1 1 0 1, और रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 into 0 1 आ जाएगा। ये क्या होगा, ए 1 2 होता है फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम 1 into 1 1 into 1 1 into 1 करोगे प्लस 1 into 1 करोगे 2 आ जाएगा। ये एलिमेंट होता है ए 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0, ये होता है ए 2 2 ए 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये 1 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर ये आ गया। अब अगर हमें ए क्यूब निकालना है तो तुम ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो या ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करो, तो ए हो गया तुम्हारा 1 1 0 1 1 2 0 1। तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा ए 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 into 0 1 ही आ रहा है। ये ए 1 2 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 और 1 3 आ जाएगा। ये ए 2 1 होता है एलिमेंट, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 आ गया। ये ए 2 2 होता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जीरो एंड 1 1 आ गया, तो जनरलाइज हो रहा है। चेंजेस कहां पे आ रहे हैं, और तो कहीं चेंज आ नहीं रहे। ए 1 2 वाले एलिमेंट में चेंज आ रहा है, ए स्क्वायर निकाला तो 2 आ रहा है, ए क्यूब निकाला तो 3 आ रहा है। तो ऑब्वियसली ए टू द पावर एन जब निकालोगे तो ये आ जाएगा एन। तो ये टाइप आई थिंक करा होगा, तो सिंपल क्वेश्चन है 2012 का, बी इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये कैटेगरी एक है इस तरह का, जब होता है ए स्क्वायर ए क्यूब, ये थोड़े लेंदी हो जाते हैं, और खासतौर से अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि कई तरह का डेटा चाहिए, इनवर्स निकालें पहले फिर ए स्क्वायर निकालें, ठीक है, तो ये काफी लेंदी होता है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा अवॉइड करने चाहिए। इतने कैलकुलेशन में आगे के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो करना ही है। तो क्या दे रखा है, 6A inverse इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, ठीक है। अब देखो, तो ये बताया 3x3 में इनवर्स निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, वैसे इसका शॉर्टकट भी हमने डिस्कस करा था, 1-2 लाइन में आ जाता है, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको इनवर्स से ना निकाल करके इसको हम ए से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सी ए इंटू ए प्लस डी ए इंटू आई, और a इंटू ए इनवर्स क्या आ जाता है, i आ जाता है, ये a क्यूब आ जाएगा, ये सी ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये डी ए आ जाएगा। अच्छा, a हमें पता है, हमें ए स्क्वायर निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना भी थोड़ा तो लेंदी काम है ही, ए स्क्वायर निकालना है, तो a ये दे रखा है, इसका जो तुम ए स्क्वायर निकालोगे, इसका ए स्क्वायर आएगा, करके देख लेना, 1 0 0, फिर आएगा तुम्हारा 0 -1 5, फिर आएगा 0 -10 14। आई थिंक ए स्क्वायर निकाल सकते हो, ए इंटू ए कर लेंगे, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, इसीलिए हम बोल रहे हैं क्वेश्चन लेंदी होता है थोड़ा। देन ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए इंटू ए स्क्वायर कर देंगे। ए क्यूब जब हम निकालेंगे तो आएगा 1 0 0 0 -11 14, करके देख लो एक बार, 0 -38, और यहां आता है 46। इसको निकाल के देख लेना, ए स्क्वायर और ए क्यूब कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये ए स्क्वायर आएगा, ये ए क्यूब आएगा। अब यहां पे हम रख देते हैं 6i का मतलब क्या होता है,
ऑब्वियसली 3x3 मैट्रिक्स ही चल रही है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की ये आ जाएगी 0 0 1। ए क्यूब तुम्हें तुमने निकाल लिया है, ए क्यूब क्या आ रहा है 1 0 0 0 -11 14 0 -38 46, ठीक है, प्लस सी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा 1 0 0 0 -1 5 0 -10 14 प्लस डी ए, ए हमें पता है, ए क्वेश्चन में दे रखा है, क्या है ए 1 0 0 0 1 1 0 -2 4, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 6 पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इसको लिख लेते हैं पूरा 1 0 0 0 -11 14, और बाय द वे इतना ज्यादा लिखने का स्पेस भी नहीं होता एग्जाम में, तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और इस तरह के क्वेश्चन कोशिश ये करो, जितने भी ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं याद करते जाओ निमसेट के लिए, 0 -c 5c हो जाएगा ये 0 -10c 14c हो जाएगा, प्लस डी से मल्टीप्लाई कर लो d 0 0 0 d d 0 -2 d 4 d। अब ये पूरा ऐड कर देते हैं, 1 + c + d 0 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे ऐड होते जाएंगे, 0 ये 0 ये भी 0 और ये भी 0, तो ये 0 आ गया, -11 -c + d, ये एलिमेंट हो जाएगा 14 + 5c + d, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा -38 -10c - 2d, और ये आ जाएगा 46 + 14c + 4d। अब इसको अगर हम इससे कंपेयर कराएं, तो हर एक एलिमेंट को कंपेयर करा दो, पहला एलिमेंट क्या आ रहा है 1 + c + d 6 आ रहा है, तो c प्लस डी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट 0 0 तो आ ही रहा है, यहां से देखो ये भी 0 और यहां से -11 -c + d 6 आ रहा है, तो d माइनस सी ये 11 इधर ले जाओ, 11 इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 17, और c प्लस डी भी दे रखा है 5, इन दोनों को ऐड कर दो 2d 22, तो d की वैल्यू आ गई 11, d की वैल्यू 11, तो c क्या आ जाएगा, d को अगर 11 रखेंगे तो c की वैल्यू -6, c 11 d 11 दिस इज द आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन लेंदी होते हैं, ये ऑब्जर्व करके चलना चाहिए, अगर एग्जाम में गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इट्स आंसर इज -6 and 11 -6 and 11, ए इज द आंसर। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2014 से 2019 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।